आपको रात को ऑर्डर मिला था, अब लेट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फौजी ऑर्डर में लेट कैसे थे। मेरी तमन्ना कल से आपका मैं खाना रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन ठंडा जरूर करूंगा। दिस इज नॉट योर होम, दिस इज पीएम। आई विल मेक योर लाइफ हेल ऑर्डर। व्यूज़, वेरी वार्म वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड। हम बैठे हैं यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर। लगा आपको ऐसे रहा होगा कि ये एक आम सा पहाड़ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस पहाड़ का मुवाजना किया जाए केटू के साथ या माउंट एवरेस्ट के साथ, दूसरा बुलंद पहाड़ तो ये नहीं है। लेकिन ये जगह जो है, इसकी जो सेंक्टिटी है, इसकी जो तकद्दस है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊँ तो ये पहाड़ और इसका तकद्दस और इसकी बुलंदी जो है वो हिमालय से भी ऊँची नजर आएगी, माउंट एवरेस्ट और केटू की चोटियों से भी बुलंद नजर आएगी। इस वक्त हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के अंदर, और ये पहाड़ जो है ये उसी मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा है। यहाँ पर पहली दफ़ा कोई चैनल आया, पहली दफ़ा कोई जर्नलिस्ट आया, पहली दफ़ा कोई कैमरा आया पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के उन होनहार कैडेट्स की जिंदगी को कवर करने के लिए, और ये जानने के लिए कि पाकिस्तान का जो एक सोल्जर है, एक ऑफिसर है, एक जनरल है, जब वो कैडेट से जनरल तक, कमांडर तक, फौज को, बैटलफील्ड को, दुश्मन के खिलाफ और हर तरह के मार्कों को, फॉर्म ऑपरेशन को लीड करता है, तो वो कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रेनिंग है, वो कौन सी ऐसी आला तरीन ट्रेनिंग है जो एक आम सिविलियन को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जेंटलमैन, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोल्जर बना देती है। उस लॉजिक को, उस ट्रेनिंग को, उस पैशन को, उस नेशनलिज्म को समझने के लिए हम पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई चैनल, कोई शो, कोई एंकर, कोई जर्नलिस्ट और कोई कैमरा इस जगह पर आया है जिसका नाम है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल। हम शब रोज गुजारेंगे पाकिस्तान के उन जवानों के साथ जिन्होंने ये अहद किया है इस एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान, जिनका ये अहद है, जिनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, कि उन्होंने अपना खून और पसीना इस मुल्क कौम के लिए, इसके एक एक इंच, इसके एक एक पहाड़, एक एक जर्रा जमीन की हिफाजत के लिए सर्व करने के लिए, अपनी जिंदगियां उसकी खातिर सर्व करने के लिए, अपनी दुनिया उसकी खातिर कुर्बान करने के लिए जिन्होंने अहद किया हुआ है। और वो अहद का आगाज इसी काकुल अकेडमी से शुरू होता है और वो जाता है आगे तक, जब एक फौजी या तो शहीद होता है या दुश्मन को शिकस्त देकर गाजी बनकर लौटता है या अपनी जानों का नजराना दे देता है। मेरा आपको साथ रहेगा यहां से, फ्रंट लाइन से जवानों की। मैं कामरान शाहिद आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। आसमान नीचे जाए। ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की सुबह है यहाँ पर, और यहाँ से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली सुबह के इस वक्त जो आपको दिखाने लगे हैं वो ये है कि कैडेट्स जो है वो किस तरह तैयार होकर यहाँ पे असेंबल होते हैं, और उसके बाद यहाँ से उनके दिन का आगाज होता है। बड़ा एक्टिव डे है, आम ऑर्डनरी सिविलियन के मुकाबले बड़ा डिफिकल्ट डे है। हर चीज अगेंस्ट टाइम है कि अगर आपको शेव करने से लेकर, नहाने से लेकर, तैयार होने से लेकर आगे तक 5 या 10 मिनट का टाइम मिलता है, नॉट मोर देन दैट। और उसके अंदर बहुत बेशतरों काम में भाग भाग के ही नाश्ता करना पड़ता है, भाग भाग के ही चीजों को कैचअप करना पड़ता है। ये एसेंशियल ट्रेनिंग का हिस्सा है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कि यू हैव टू रन अगेंस्ट द टाइम। ये तमाम इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लम्हात जो है जिसके जरिए एक टफेस्ट ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में होती है, उनसे आपका मेरा साथ रहेगा।
आपको हम दिखाते रहेंगे, मेरे साथ रहिए। इस फ्रंट लाइन से पाकिस्तान मिलिट्री कैडेट्स की ट्रेनिंग की एक जहद मुसलसल है सोल्जर बनने की। यूनिफॉर्म ग्रीन बैलेट ब्लू विथ ब्लू नीचे भारत आसमान के लिए 5 मिनट आ गए। अच्छा काजन साहब ये बताएं कि यहाँ पे टाइम आपने अभी 5 मिनट में उन्होंने कहा नीचे आ जाए, इसकी क्या वजह है? रोज होता है 5 मिनट का टाइम इसलिए ताकि इनको एक टाइमिंग और डिसिप्लिन का, जब अभी से इनका टाइमिंग हम इस तरह 5 मिनट तो आगे भी ये अगले जो 2 साल या 1.5 साल तक इनको अभी फर्स्ट राउंड से लेके एंड तक फिर इनको टाइम की पाबंदी और हर चीज का पता होगा। फाइनल का मतलब क्या होता है? कोई साफ इन आउट तो नहीं है, कोई आउट तो नहीं किया या कोई सेम मैच पी मैच है सर? कोई ड्रिल तो बड़ी मुश्किल होती है, मैंने सुना ड्रिल मुश्किल होती है, लेकिन मेन चीज जो इधर अगर है पी में डिसिप्लिन के लिहाज से तो ड्रिल, और एक सिविल को जो है ना फौजी बनाने के लिए उसको फौज में मतलब लाइन डिसिप्लिन जब बनाए जाते हैं तो पहली चीज डिसिप्लिन उनका कड़ा होना, उनका सारा कुछ जो है ना वो ड्रिल से। तो ये सुबह कितने बजे यूजुअली उठा देते हैं आप कैडेट्स को? ये सुबह इनका टाइम होता है 5-10 तकरीबन है सर, तो उनसे 10 मिनट पहले हम इधर खड़े हो जाते हैं। अच्छा शेव करना जरूरी होता है हर कैडेट के लिए रोज? शेव मस्ट है, और जिस टाइम सुबह फन करते तो पहले इनकी ड्रेस इंस्पेक्शन की जाती है, जिनका ड्रेस ठीक ना हो या शेव नहीं की होती है तो दोबारा उनके पास भेज देते हैं गवर्नमेंट टाइम देकर। आपको रात को ऑर्डर मिला सर, आप लेट है, आज मैं आपको बताऊंगा कि फौजी ऑर्डर में लेट कैसे थे। यूनिफॉर्म साहब रात को तैयार करके सोता है। थोड़े चलिए दोनों सामान, अगले 1 मिनट में दोनों सामान ड्रेस चेंज कर दोबारा कमरी खाने की जगह खड़े होंगे। थोड़े चल अरे आप यासी साहब इनको आप बेसिकली इस वक्त जो इनको डांटा जा रहा है, क्यों डांटा जा रहा है? ये सर ये सवाल लेट है, इनको सुबह मारने का टाइम दिया हुआ था कि रात सुबह डाली कमांडर की परेड है, लेकिन ये सवाल लेट आए, इन्होंने रात को ड्रेस तैयार नहीं किया। आज इनको मैं बताऊंगा कि ड्रेस फौजी ऑर्डर मिल जाए तो ड्रेस आप रात को तैयार क्यों कर। तो इनकी एक्स्ट्रा ड्रिलिंग होगी आज? इनकी एक्स्ट्रा ड्रिल भी होगी सर, और आज ये इनको पनिशमेंट भी दी जाएगी इस बात के ऊपर। आज लेट है टाइम पे, आज हमने ड्रेस दूसरी पहनी थी तो जिसकी वजह से हमें दोबारा ऑर्डर मिल गया था, तो सर्विस ड्रेस पे तो दोबारा ड्रेस पहनने का फॉलन हुआ। तो ये बेसिकली जो आपका स्टाफ होता है इनका ऑर्डर जो होता है आपके लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? हर ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस बहुत माने रखते हैं, और हर ऑर्डर को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही मस्ट होता है। शुरू से आपको इंस्ट्रक्शन है सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना? शुरू का ऑर्डर जी। सही है, तो अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम आगे जाएंगे ड्रिल के लिए। भागते हुए भागते हुए क्यों होते हैं? पूछा किसी सीनियर से भागते क्यों आप? क्योंकि यहाँ पे वक्त की बहुत अहमियत और ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आरडीएस के बाद दोबारा हमें आना होता है अपने ब्रेकफास्ट के लिए बटालियन में, और यहाँ से फिर दोबारा हमें जाना होता है हर चीज दौड़ दौड़ के एचएस के लिए, और हर चीज हमने एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन या नहीं? बहुत एडवेंचर लाइफ है और फुल एंजॉय कर रहे हैं। समझ आ गई? हाँ दौड़े चल Still don't move. Because they look up, chin up, chest up. I'm going to kick your dick at the beat. Don't move. I'm going to kick. That's the hell of a key. I'm going to kick. You can ask off. Stand still. Don't move. बैट खोलें आप, बैट खोलें, हाइड करें बैट को, हरी आप स्पीड लगाएं, हरकत नहीं आप, हाइड करें मुझे बैट, ले दें मुझे, दो माह में अभी तक आपको बैट टाइट करने नहीं आया, स्पीड लगाएं, अभी तक आपको बेल्ट बांध लेना चाहिए, भिड़ गए आप, तो आप सब जल्दी करें आप, अंकल निकालिए यूनिफॉर्म से,
करें बल, फिट करें आप बल, आप खड़े रहें। लोग फ्रांट अपने सामने देखें, मेरी तरफ मत देखें, आप अपने सामने देखें तमाशबान। हरी आप, हरी आप, निकल निकालें। ऐसे इधर देखें, इधर देखें मुझे, यहाँ से इधर इसको आधा लें और इसको पीछे ले आए, यहाँ से ऐसे स्टैंडस्टिल। लोग फ्रांट कंपनी एहसान बाश, वन इंडिविजुअल कम फॉरवर्ड फॉर क्लॉवर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمني هوشيار This is not your home. This is PMA. I will make your life hell on earth. This one, up, up. These are set up. I shot. Why are you smiling? Yes. That you will live for the whole life. This time you smile, you will cry. After that, for the whole life. Back to own position. Leave them. If I have crossed anyone, then he will cross the whole world. Akif Saab, lie down. Speed up! You are very shot! This is your work! And let me see anyone come down! Start moving! Knuckle position! Start off with the push-ups! And louder counting! 1, 2, 3, 4, 5! Proper! 8, 9, 10. Start crawling and cross each other. Daiju! Speed up, boys! How dare you? How dare you do people like that? I shot! Sit down! You are some sure job, bro! Louder! No, sir. You're not a lady or here. Once I say start, you will go. Like upon. Get a dip. And it out. The faster, the better. Clear? Louder, yes, off. Baad sahab, ye inko punishment kyun di aa rahi hai? पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है, फॉरन से मिसिंग थे और ये ऑफिशियल एक फॉरन होता है, एक्टिविटी होती है और हर दिन, ताकि फॉरन इसलिए होता है ताकि इससे ज्यादा इन्हें पनिशमेंट मिलती है। अगली बार ये नहीं करना चाहते, अगली बार ये फॉरन में टाइम पाएंगे। ये इसलिए इन्हें पनिशमेंट दी जा रही है क्योंकि ये लेट से फॉरन से। अरमान, क्लोज इट, क्लोज द टॉप और स्टार्ट अप विद द गोल्डन। Man saab, I want speed. Clear? Start up. Start up with the rolling. If I cross you. Second. Hamza. कैसा लग रहा है सर? बस क्या बताऊँ, मजा है। मजा तो आता है पनिशमेंट में।
तो पाकिस्तान मिलिट्री जो आपने ज्वाइन की उसको एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी आप जूनियर हैं क्या आपका कौन? अभी हम सेकंड टर्म में हैं। सेकंड टर्म में जी। तो आप जब फोर्थ में जाएंगे तो आप भी करेंगे जूनियर असिस्टेंट? जी बिल्कुल। सोचा आप प्लानिंग की हुई है? हाँ की हुई है। एंजॉय करें अभी तो फिलहाल। भाई क्या नाम आपका? जिसे अरमान। यार ये आपको पनिशमेंट जो आपको तो एक्स्ट्रा ही मिल गई थोड़ी सी, वो पानी में जो आप गए हैं कुछ क्या वजह थी आपका, आपने किया क्या था? जी वो सब प्रॉपर कर रहे थे, मैं प्रॉपर नहीं कर रहा था। तो अब आपको गलती का एहसास हो गया? जी हो गया। तो पानी में मजा आया डिप लेने का? जी आया। अभी आ रहा है मजा? जी भी आ रहा है। कीप एंजॉयिंग। जो आप पनिशमेंट इनको देते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सर इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक ये स्टाफ के पास होते हैं तो ये तो स्टाफ के पास कुछ भी करते हैं, मगर ये जब कंपनी लाइन आते हैं तो इसका डिसिप्लिन थोड़ा लूज होता है। तो हम हमारी जो सीएसएम अपॉइंटमेंट है सार्जन का जो उनकी डर के लिए होता है, तो हमें अपना काम जारी रखना होता है। इन पर तरस कभी नहीं आता? नहीं नहीं कोई तरस नहीं आता, क्योंकि हम उसको ग्रूम करने के लिए करेंगे, कोई इस मतलब उसकी भी मरलाइज। और आप खुद भी गुजरे हैं सारे मरले से? हाँ इसे हमने टफ टफ, इवन राहिल शरीफ साहब इस मरले से गुजरे होंगे, सारे इस टाइम से गुजरे हैं। आप देख रहे हैं बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हैं पाकिस्तान के जिनको मैं आपसे मिलवा रहा हूँ। आपको लगता होगा बड़ी अजीब सी सिचुएशन में है, लेकिन अगर इसकी लार्जर पिक्चर देखी जाए तो पाकिस्तान के यही जवान जो है जब इस इतने टफ प्रोसेस और मराहल से गुजरते हैं उसके बाद ये पाकिस्तान के लिए शहादत देते हैं, पाकिस्तान के लिए गाजी बनते हैं, पाकिस्तान के एक एक इंच को बचाने के लिए ये अपनी जाने देते हैं। तो मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ, ये जिनको पनिशमेंट देने को भी सलाम पेश करता हूँ। जिन मुश्किल हालात से पाकिस्तान बीच एक एक दिन गुजारती है, चेयर पोजीशन कोई शो ऑफ नहीं है, ये इस कौम के लिए है, इस कौम की खातिर है, इस कौम की माओ बहनों के लिए। जब ये हालात से गुजरते हैं ट्रेनिंग लेते हैं तब पाकिस्तान के आम शहरी, ख्वा वो मेरी माएँ और बहनें और भाई हों और आपके हों, वालदैन हों, शहरी हों, वो चैन की नींद सोते हैं जब ये लोग इस तमाम मराहल से गुजरते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आपका हमारा साथ रहेगा, हमारे साथ रहिए। जब मेरे पीछे देख रहे हैं कैडेट्स ही कैडेट्स है, ये यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का मार्चिंग एरिया, यहाँ से ही अब जाएंगे ड्रिल करने के लिए। ड्रिल जो है सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग टास्क होता है, जब ये ड्रिल करते हैं और सलूट मारते हैं और पाँव मारते हैं जमीन पे तो इंसान को 14 तब जो है वो रोशन हो जाते हैं। इन तमाम ट्रेन टफेस्ट ट्रेनिंग में जिससे पाकिस्तानी कैडेट गुजर के ऑफिसर जनरल कमांडर बनता है, उस सब में आपका हमारा साथ है। फौज कैडेट्स की फ्रंट लाइन से मेरे साथ रही है यहाँ से लेकर वापसी आने तक। गुड मार्च एंड गुड वर्क वापसी पर। एक्सेप्ट हुआ काम तो वेल, वरना दोबारा मार्चिंग करूंगा इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी फौज के कैडेट्स हैं, पाकिस्तान की फौज का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के दिफा का मुस्तकबिल है, उनके साथ मार्च करना जिंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान फौज की फ्रंट लाइन से जारी रहेगा। अगर आप साहब ये बताइए कि इस ट्रेनिंग का ये भी इसको क्या ड्रिल कहते हैं? ड्रिल। ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है डिसिप्लिन। अच्छा। भी फौज का ऑर्गेनाइजेशन, उसके इतिहाद, ये तमाम चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये फीमेल कैडेट्स और मेल कैडेट्स, लड़के लड़कियां ट्रेनिंग इकट्ठे करते हैं?
तो लड़कियां भी उस तरह इम्तिहान से कंफर्टेबल तरीके के साथ जिस तरह हमारे एक जेंटलमैन करते हैं। और ये कितने घंटे की होती है ड्रिल? ड्रिल ये 40 मिनट का पीरियड होता है। अच्छा, और इसके बाद इनका नाश्ता होता है? इसके बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद उनके बाकी जो स्टडी के पीरियड होते हैं। तो ये ड्रिल डिफिकल्ट क्यों होती है इतनी किसी कैडेट के लिए? डिफिकल्ट हमारी जो आर्मी है वो उसका काम ही डिफिकल्ट है, उसको तमाम इसी बुनियाद पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। सही है, थैंक यू, थैंक यू। मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की सबसे प्रेस्टिजियस रोड पीएमए रोड के ऊपर खड़ा हूं, और ये वो रोड है जहां पर शहदा के कदम पड़ चुके हैं, ये वो रोड है जहां पर गाजियों के कदम पड़ चुके हैं, ये वो रोड है जहां पर आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, जब वो यहां पर पढ़ते थे, ख्वाह मुशर्रफ साहब हो, राहिल शरीफ साहब हो, वो तमाम लोग इसी रोड से गुजर के इसी मंजिल से आगे चले हैं। ये आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर जो है इस वक्त मार्च हो रहा है। यहाँ पे डिसिप्लिन की जो सबसे सेंसिटिव वाली जगह है, जो जिस जो उसका सिंबल है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का, वो ये रोड है। यहाँ पर कोई भी कैडेट जो है वो ढीला ढाला अंदाज में चल नहीं सकता, उसको ही हैज टू कैरी इंटायर डिसिप्लिन इन इज इंटायर बॉडी लैंग्वेज, इन इज इंटायर मूवमेंट, और यही सबसे मुकदम बना देता है इस पूरी जगह को। पीएमए रोड पे जब ये कैडेट चलते हैं तो ये माल रोड पे, शाहराह फैसल पे नहीं चल रहे होते, ये अपने घरों के ड्राइंग रूम में नहीं चल रहे होते, ये पूरी पाकिस्तान मिलिट्री की डिसिप्लिन के कोड को कैरी करके चल रहे होते हैं। ऑनरेबल जगह पाकिस्तान के शहदा और गाजी इसी रोड से आगे तक गए, उस मंजिल तक जहां पर जाके हम उनको सल्यूट करते हैं। मेरे साथ रहिए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, हमारा आपका साथ रहेगा एक्सक्लूसिव शो में कैडेट्स और अफवाज पाकिस्तान की फ्रंट लाइन से। Which course are you from? 133, sir. And this is the bloody standard which you are putting in front of the chaps who are standing behind you. You are NCC? Yes, sir. CQ? Yes, sir. Which company are you from? Aurangzeb, sir. Aurangzeb. फुरकान साहब, ये बताएं कि ये इस वक्त ट्रेनिंग का क्या हिस्सा है, ये ट्रेनिंग किस चीज़ की हो रही है आपकी? इस वक्त बेसिकली हम एसिड टेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं कि एसिड टेस्ट, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं कि ये एक कैडेट की जो फुल फिटनेस है उसका प्रॉपर टेस्ट है। हम ऑपरेशन एरिया में जाने से पहले इसका टेस्ट देते हैं ताकि कोई भी टेरेन आ जाए, कोई भी हालात आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस वक्त हैवी वेट उठाया हुआ है, लॉग उठाया हुआ है, राइफल उठाई हुई है, तो हम उस चीज़ को एडजस्ट कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कई किलोमीटर तक आप इतना हैवी सामान लेके जा सकते हैं ट्रेनिंग? अभी तो इस ऐसे टेस्ट की टोटल लेंथ है 13.2 किलोमीटर और पासिंग क्राइटेरिया है 2 hours 49 minutes, तो हम लोग इससे ज़्यादा वेट भी उठा सकते हैं क्योंकि हमें इतनी ट्रेनिंग दी गई है। कैडेट की लाइफ ऐसी क्या इंपॉर्टेंस होती है? इस कैडेट की लाइफ ऐसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बिकॉज ये हमारी पीक ऑफ एंड्योरेंस है इस वक्त, और हम इसका टेस्ट दे रहे हैं, और जैसे ही हम लोग किसी ऑपरेशन एरिया में जाते हैं वहाँ पर मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। आपको ट्रेनिंग डिफिकल्ट नहीं लगती? नहीं, शुरू में ऑब्वियसली लगी थी, लेकिन अब हमें आदत हो गई है क्योंकि हम लोग इंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल।
यहाँ बैठ के सिविलियन लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? इजी या ये वाली लाइफ आपको ज्यादा अच्छी लगती है? सिविलियन लाइफ ऑब्वियसली इजी है, लेकिन ये हमारा प्राउड है, इस प्राइड जब हम सर्व करते हैं तो हमें एक खुशी फील होती है और एक फखर फील होता है कि हमने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान को सर्व करना कैसा लगता है? बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ सोल्जर इज अ प्राइड, पाकिस्तान को सर्व करना। जब भी हम बाहर निकलते हैं या ट्रेनिंग के दौरान होते हैं तो एक चीज हमें मोटिवेट करती है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। हु इज योर हीरो? कायद अजम। उसकी खास वजह? क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे फाउंडर ऑफ नेशन है और उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलेक्चुअल सही है, जिस तरह उन्होंने हमारा मुल्क की क्रिएशन की, तो ऑब्वियसली हर एक का होना चाहिए वो आइडियल। सही है, थैंक यू जेंटलमैन। मेरी तमन्ना, मेरी तमन्ना। कल से आपका मैं खाना रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन चंदा जरूर करूंगा। Sir, on my right side in the red corner is GC AWS of Salahuddin 1 Platoon. On my left side in the blue corner is GC Kifayat of Aurangzeb 1 Platoon. Round 1. Which country you're from? I'm from Saudi Arabia. What is your concept of fighting, boxing over here at PMA? It's good. It's very good. It's awesome. You're not afraid? No, never. I'm from Saudi Arabia. How can? So, fighting with Pakistanis, is it different for you or is it difficult for you? No, it's too easy. Nothing difficult for us. Pakistan is not my enemy. It's my brother. It's my second country. So how is the... how is your training going on over here? The level of professionalism over here? It's very good, very great, mashallah. कॉन्सेप्ट क्या है इस फाइटिंग का जिसमें डिफेंस भी नहीं है? इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, जो कैडेट्स हैं हमारे जितने भी, उनकी हम करेज, विल पावर और उनकी स्ट्रेंथ हम इस पे चेक करते हैं। खून बह जाए? इट्स नॉट अबाउट कि खून बह जाए, कितने पंच वो क्या पंच फेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। दुश्मन के खिलाफ तैयारी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये नेक्स्ट जब भी अपनी वॉर जोन में जाएंगे या ऑपरेशन एरिया में होंगे तो ये उनकी प्रिपरेशन है। आम बॉक्सिंग मैच में तो डिफेंस होता है, लेकिन इसमें डिफेंस नहीं देखा? अरे डिफेंस अलाउड है ग्रेड्स को, बट हमारे ग्रेड्स हैं ही अग्रेसिव क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग अग्रेसिव ट्रेनिंग है। अलावा असलम टीपुटू। असलम, ये आपको खौफ नहीं आता बॉक्सिंग करते हुए बगैर डिफेंस के? नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं था, बिकॉज इस बॉक्सिंग का यही मकसद है ताकि हम लोग जो है हमारे जो अंदर जो खौफ हो जाती है उस पर हम काबू पाए, यही इस बॉक्सिंग का मकसद होता है। खौफ निकल गया आपके दिलों? नहीं, जहाँ मुझे मेरे अंदर कोई खौफ नहीं है अपने एनिमी को फेस करने का, जो हमारे अंदर जो एबिलिटी प्रोड्यूस की गई है
वो बहुत ज्यादा है। तो ये बॉक्सिंग बगैर डिफेंस के होती है, उसमें वो कैसा लगता है आपको, फेयर नहीं होता? नहीं सर, कोई फेयर नहीं होता, क्योंकि हमें सिखाई ही जाते हैं यहाँ पे, और जब हम लोगों ने आर्मी ज्वाइन की है तो वी हैव टू फेस एवरीथिंग ऑन आवर फेस। तो हड्डी टूट जाएगी, दांत टूट जाएगी, कोई मसला नहीं, टूट जाए तो फिर क्या है, राखी दे लगे। और आपके पेरेंट्स मिले तो क्या कहते हैं, और आप क्या कहते हैं? कुछ खास नहीं, क्योंकि हमारे मेरे पेरेंट्स भी आर्मी से ही हैं, उनको पता है सब कुछ, और सेकेंडली जो कुछ भी होता है हमें फेस करना चाहिए इसको। यहाँ पे टाइम कैसा गुजर रहा है? टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। पनिशमेंट के दौरान भी मजा, पनिशमेंट हम सब मिलकर काटते हैं, इसलिए कोई फील नहीं होता इतना खास। रात के इस पहर में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के जीसी ऑफिस में। अगर ऑफिस से बुरा ये कि यहाँ पे टेबल लगी होगी, कुर्सी लगी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पीएम अकेडमी के अंदर जो है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में रात का जो मंजर होता है वो दुनिया में किसी भी जगह में शायद मुश्किल से मिले, पाकिस्तान में मुश्किल से मिलेगा। होता है यहाँ पे क्या है ये मैं खुद आपको नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डरी हालात है, एक्स्ट्रा ऑर्डरी मामला है इधर, ये आप खुद देखिएगा। यहाँ पर अभी ये जंगल में मंगल हो जाएगा और होगा किस तरह, बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन है, आप देखिएगा अभी इसके बाद। आजाद नाम बनाजत प्राण धनोर इजाजत क्रांति शुरू। असलम सर, राज आसान बाश दोबारा अगर बंद को लंबा किया मैं आपकी पनिशमेंट इतनी लंबी कर दूंगा कि आप भूल जाएंगे कि हमने कम दिन लाइन में जाना है। सुबह का नाश्ता आपको मैं यहां पे जिसी ऑफिस में कराऊंगा। डोंट मूव, कीप क्वाइट। और कल से आपका मैं खाना रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन ठंडा जरूर करूंगा। असन बोश, आप इस तरह खड़े हैं जैसे आप मेहमान आए हैं यहां पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के, जब तक शूटिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी पनिशमेंट बर्खास्त नहीं होगी। डोंट मूव बाबर, बैक पोस्टर, आई डोंट लाइक यू फ्रेंड, आई डोंट वांट टू सी दिस लाजी मूवमेंट। ऑलराइट, गो अप एवरीबॉडी, गो अप, गो अप, करो सिंगल लाइन, हरी अप, हिट द ग्राउंड, विल नॉट डू इट प्रॉपर्ली, आई डोंट लाइक योर स्पीड बॉयज, स्पीड अप, गो, कीप अप, मूव बैड, मूव बैड, हरी अप, द वन विल बी लेफ्ट, वन, गिव मी टेन पुश अप, वन, in the wrong way, let's go join the season, 3, 4, 21, 25, and if the one who will cross me first, he will get aside, stop boys. All right, first two, get up. Push your leg. Belt you lose after. इतना बैल लूज आपका इस तरह से वन टू वन टू रोक स्टैंड स्टिल वन पैन चेस्ट ऑन द टू बेकर ऑन द वन टू हरकत है स्पीड टेस्ट स्पीड टेस्ट स्पीड टेस्ट दुश्मन दे शूट हरकत है हरकत है करें आप हरकत है करें आप सब था वन था वन मैं बोलूंगा तमाम सामान बैग पैक उतार के इधर रख देंगे और स्टैंड स्टिल खड़े रहेंगे। बताओ जब तेज शूट रोक स्टैंड स्टिल स्टैंड स्टिल दीवार को वाले पीछे वाले दस वाले साथ तेज शूट रोक स्टैंड स्टिल बंद पैक चेस्ट टू शूट साहब पीछे वाले दस वाले साथ तेज शूट रोक स्टैंड स्टिल ऐड बटन शूट रोक स्टैंड स्टिल पीछे वाले दस वाले साथ तेज शूट। जो बेसिकली हमारा मकसद है वो अकेडमी के जो नज्म व जब्त को कायम रखना हमारा सबसे बुनियादी मकसद है। जब हम वक्त की पाबंदी इन जेंटलमैन केयर से नहीं करवाएंगे, वक्त की पाबंदी ये नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम अकेडमी की जो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी है वो उस वक्त अब मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये अगर एक एक्टिविटी से एक मिनट भी लेट आते हैं, एक्टिविटी से दो मिनट लेट आते हैं, कहीं पे ये इल डिसिप्लिन काम करते हैं, तो उसको कभी भी इस अकेडमी में हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बुनियादी मकसद जो हमारा है कि उस अकेडमी के कवानीन उनकी पासदारी करवाना और इस नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना जो एक पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का खासा है। स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्पीड इसलिए है कि स्पीड जितनी स्पीड शो करेंगे इतना इनका जो जिस्मानी तौर पर फिटनेस का मयार है वो हाई होगा। तो जो कैडेट्स जो हैं वो ज्यादा स्पीड नहीं रखते उनके लिए आप फिर क्या करते हैं? उनके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, अगर पनिशमेंट का टाइम हमारा आधे घंटे का होता है तो उसको हम इंक्रीज कर देते हैं उसकी सूरतयाल को देखते हुए। अगर उसकी स्पीड बहुत स्लो है 10 मिनट 15 मिनट हम उसको एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि उसको नेक्स्ट सबक उसका हासिल होती है, तेज होती है
जब आप किसी को एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड तेज। बहुत शुक्रिया शिजा साहब। स्टार्ट पॉइंट डबल अप, सिट डाउन, गेट इन साइड, सिट डाउन, एफपी, स्टार्ट ऑफ, इंक्रीज योर स्पीड, यू वांट टू स्टे हियर फॉर द नाइट, यू वांट टू स्पेंड द नाइट इन द वाटर, देन कीप ऑन रोलिंग। Next, you stay inside the water. You, I want your head. Hurry up, move out. You, head inside the water. Inside the water. Head inside the water for 10 seconds. All right, sit down. Sit down inside the water. Two front rolls and you can get out. One. Two, out. Move out. All of you on hands. All right, gentlemen, I want you to raise the slogan in a louder tone. What is that? Meri tamanna, meri tamanna. Hai tamanna, hai tamanna. Meri tamanna, meri tamanna. Hai tamanna, hai tamanna. Get up. Bhai, kya naam aapka? Jisi Bilal. Sir, mein? Main second term. Yaar, ye raat ke 11-12 baje sir, bhai, is halat mein kyun hai? सर बटालियन सर्जेंट मेजर ने चेक किया था कैफेटेरिया में, बिकॉज ऑन सीसीटीवी में अलाउड नहीं है कैफे जाना, एंड आफ्टर दैट उन्होंने रिपोर्ट लगाई, हमने रिपोर्ट मिस कर दी। मैं आ रहा हूँ पानी के अंदर, गर्मी तो बहुत है। गर्मी है लेकिन फिर भी जब मुंह में जाता है पानी तो फील तो होता है, टफ है। आपकी बॉडी टफ बनती है? टफ तो होती है। अजम भी टफ? अजम भी टफ होता है। ये बता दें कि इस जगह का नाम क्या है? ये फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन, और ये जगह जहाँ पे हम डिप ले रहे हैं ये तमन्ना, तमन्ना डिप है। तमन्ना डिप भी कहते हैं इसे? तमन्ना डिप बिकॉज ये शुरू से ही है और सबसे पुराने डिप है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की। जब ये यहाँ पे नारा क्या तमन्ना डिप का होता है लगा के बता सकते हैं? मेरी तमन्ना, हाय तमन्ना, हाय तमन्ना, मेरी तमन्ना, मेरी तमन्ना, हाय तमन्ना, हाय तमन्ना। ऑल जेंटलमैन, आई डोंट लाइक योर स्टैंडर्ड, इट शुड बी लॉन्गर। मेरी तमन्ना, मेरी तमन्ना, हाय तमन्ना, हाय तमन्ना।